हाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई? गाड़ी चला रहा हूँ भाई, ये कैसे हो गया? अरे हम तो कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं भाई गाड़ी से। देखिए, कार कैंपिंग करने का मन था बहुत दिनों से, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो कार कैंपिंग करने के लिए एक दूर जगह जा रहे हैं हम। पिछले वीडियो में बता रहा था ना, एक दूर जगह जाएंगे, ऊंचा वाली पहाड़ी पे जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, तो उसी प्लान में जा रहे हैं। तो मैं सबको बता दूं भाई, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये मेरी गाड़ी नहीं है, मतलब मेरे पैसों की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इतनी औकात, इतनी हैसियत कहाँ भी मैं कार खरीद सकूँ फिलहाल। वैसे ये मेरे पापा की गाड़ी थी, मतलब उनके पैसों के बदौलत ये हो पाया है, तब की बात है ये। तो उस वक्त वो थे तो मेंटेन हो जाता था गाड़ी, आजकल के ज़माने में पेट्रोल के भाव जो हो रखे हैं भाई, गाड़ी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। आपको तो पता है बाइक मेंटेन करना मुश्किल हो जा रहा है आजकल, कार कैसे मेंटेन करे बोलो। तो इसलिए देखिए, उस वक्त तो मेंटेन हो जाता था, अभी जब भी इमरजेंसी कोई होता हो, कहीं जाना हो, ये मेडिकल वगैरह ये ऐसे कोई प्रॉब्लम होती हो, तभी सिर्फ ज़रूरी काम पे ही ये गाड़ी हम निकालते हैं घर के कामों के लिए, नहीं तो हमेशा गैरेज में ऐसे ही पड़ी रहती है भाई। गैरेज में रख रख के तो मूसा काट काट के तो पूरा चूहा हुआ काट लेते हैं गाड़ी को, ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो होते तो मेंटेन हो जाता पापा, फिलहाल तो पापा मेरे साथ नहीं है, हालांकि फिजिकली नहीं है लेकिन मेंटली सपोर्ट, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है और हमेशा रहेगा ऐसा करता हूँ। तो फ्यूचर में नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल हो ना तो हम अपने पैसों से जरूर कोई गाड़ी लेंगे, अगर यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाता है तो। और हमारी ख्वाहिश है भाई, अगर गाड़ी लेना फ्यूचर में तो 4x4 एक गाड़ी जरूर लेंगे। मेरा भी ख्वाहिश है भाई, हाँ, तो 4x4 गाड़ी लेंगे कैंपिंग चैनल हमारा ग्रो हो गया तो। और मैं तो कहता हूँ भाई, पूरा इंडिया घूमेंगे, होल इंडिया में ट्रैवल करेंगे, कैंपिंग करेंगे, लोगों को एंटरटेन करते जाएंगे भाई, फ्यूचर में है कि नहीं? कदम कदम तो आप बढ़ते जा, खुशी का गीत गाए जा, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कदम कदम पे जाएंगे भाई जी। अगर चैनल ग्रो हो जाए, जब हम भी कमाने लगे, वैसे 4x4 गाड़ी लेंगे, सबको मजे करवाएंगे भाई। हाँ भाई, पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, सबसे मिलेंगे, मिल मिल के मजा आ जाएगा भाई। सोचते ही मुझे पूरा अभी से ही ख्याल आ जाता है वो सब। दूर जाएंगे तो हमारे फैमिली मेंबर के साथ भी मिल के आएंगे भाई। हाँ जरूर, घर में जाके खाना खा के आएंगे भाई जी, जरूर वो भी करेंगे। तो वो तो फ्यूचर की बात है, देखते हैं, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप सबका प्यार सपोर्ट रहा तो वैसे ही करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती हो तो क्या करेंगे भाई, एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को मोटिवेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। और नीचे देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिए और साथ में फेसबुक में भी, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए भाई जी जरूर। तो चलिए, जर्नी जारी रखते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। आज जो जिस इलाके में हम कैंपिंग करने वाले हैं ना, ये इलाका हमारे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट पीक पॉइंट पहाड़ी रेंज में आता है, लेकिन पीक पॉइंट जो है वो तो एक टूरिस्ट प्लेस हो रखा है, अभी फिलहाल तब्दील हो गया है ट्रैवल, मतलब टूरिस्ट प्लेस में, वहाँ पर तो कैंपिंग कर नहीं सकते, काफ़ी टूरिस्ट होंगे, भीड़ भाड़ होगी और मतलब सुविधा नहीं मिलेगा हमको, इसलिए हम तो नेचुरल जगह ही, वाइल्ड प्लेसेस ही ढूंढा करते हैं हमेशा। ऐसे ही एक प्लेस हमने बीच में एक्सप्लोर किया था, मेंबर स्पेशल वीडियो में हमने अपलोड भी किया था वो वीडियो को, मतलब बिहाइंड द सीन्स के टाइप में। तो आज वही प्लेस में जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करके कैंपिंग करके बारिश का मजा लेते हुए आए। देखिए बारिश तो अभी स्टार्ट हो गई, ग्लास के ऊपर ड्रॉप्स गिर रहे हैं, देख रहे हो ना? तो होपफुली वहाँ भी जोरदार बारिश मिल जाए भाई, मजा आ जाएगा। आज तो बारिश के मौसम में मैं पूरा नाचूंगा भाई। ठीक है भाई, नाच रहा जोरदार पूरा, हमेशा तो गाना गाते हो, नाच के दिखा लेना, भीग भीग के आज नाचूंगा भाई। तो गाना कौन सा गाओगे भाई? गाना टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दूं, आग लगा दूं। पानी में कहाँ आग लगेगी भाई, पेट्रोल डालना पड़ेगा भाई, भाई। पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा है, आग नहीं लगा सकते पेट्रोल में भाई। किरासिन होता तो चल जाता भाई, किरासिन कहाँ मिलता है भाई आजकल, वो भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलते भाई, कुछ मत, जो हालात हो रखे हैं भाई, कड़की चल रही है अभी हर किरासिन जगह पर। किरासिन होता तो हम कैंपिंग के लाता है भाई, हमारा एक लंटन है ना, हाँ लंटन है रेट्रो वाला, उसको इस्तेमाल करते, किरासिन नहीं मिलता इसलिए हम वो नहीं कर पाते, फ्यूचर में ट्राई करेंगे ना। हाँ भाई, देख रहे हैं भाई बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ से ही। हाँ भाई, मजा आ गया आज तो। हाँ तो मजा आ गया भाई, अभी पहाड़ी के ऊपर भी ऐसे ही बारिश बनी रहे तो और भी मजा आ जाए कैंपिंग करते वक्त। हाँ भाई, मैं तो आज बारिश में नहा दूंगा भाई आज। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे नहाते हो तू। हाँ।
कहाँ है भाई रेनकोट? रेनकोट निकालिए, ऐसे मार दे भाई, अभी तो थोड़ा से थोड़ा कम है, मार देंगे ऐसे। ठीक है चलो, निकल हमारा बड़ा वाला निकलना। रेडी रखते हैं भाई, जो दर भाई जाएगा तो पहन लेंगे। हाँ भाई ले जाओ, उस तरफ रखेंगे। ठीक है चलो, उठा ले भैया उठा लो। दोस्तों देखिए जोरदार बारिश, मज़ा आ गया भाई आज तो। हाँ मज़ा आ रहा है भाई, टेंट सेटअप हो चुका है, अभी हम प्लान कर रहे हैं। देखिए बारिश जोरदार है, हम सोच रहे थे पोल्स लगा के सामने का दरवाज़ा उठा ले, लेकिन इसी तरफ से बारिश आ रही है सामने का एयर, और पूरा देखिए जोरदार टपक रही है, पूरा मार रही है जोरदार। इसीलिए अभी सोच रहे हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अंदर ही रहकर सारा कुछ काम करेंगे जो भी करना है, कि नहीं भाई? हाँ भाई, तो गाड़ी अपना पास में ही है, देखिए यहाँ से सामान लाएंगे, अंदर शिफ्ट करेंगे, बाइक का काम स्टार्ट करते हैं। हाँ बाद में अगर बारिश रुकती है हाँ, फिर ये पोल से सामने का दरवाज़ा उठाएंगे। हाँ भैया जो भी बोलो, ऊपर से नज़ारे ना एकदम तगड़ी वाले नज़ारे मिलते हैं, देखो भाई
हाँ भाई, वो पहाड़ी सामने से दिख रही थी ना, वो पहाड़ी देखो गायब। बादलों में छुप रहा है पहाड़, क्यों गाएंगे, गाएंगे गाना पड़ेगा लास्ट में। सर्ग से ये ही सर्ग है भाई, देखो। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई, कमाल के व्यूज मिल रहे हैं भाई, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों देखिए, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, इसी मौके पर हम सोच रहे हैं सामने का दरवाजा उठा लेंगे, पोल सेटअप कर लेंगे। देखिए चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है, हम मेघ के अंदर है भाई, बादल के अंदर हम है अभी। चलिए सेटअप करते हैं। चलो भाई, क्या मौसम भाई, क्या मौसम भाई, गजब। हर घड़ी चेंज हो रही है मौसम यहाँ पे, हर घड़ी। क्या हुआ भैया, लग गया था भाई, निकला। हर घड़ी मौसम चेंज हो रही है, गाना आ रहे है भाई। सुना है ना? हाँ सुना है ना, राहुल नाम तो सुना ही होगा। रस्सी को बांधना पड़ेगा रे बाबा। ज्यादा भीग गए भी, थोड़ा थोड़ा भीग गए देखो। हाँ मेरा तो अंदर घुस गया भाई पानी, और थोड़ा तो अंदर ही घुस गया। इतना हैवी रेन भाई, इतना हैवी रेन, मुसावत तगड़ी वाली बारिश। हाँ क्या करें, एक स्वाद है तो ऊपर वाला जब भी देता ना भाई, हाँ छप्पड़ फाड़ के देता है भाई, अभी इतना छप्पड़ नहीं फाड़ना चाहिए भाई। चलो सीन मजेदार हो गई यार, गजब के सीन देखो। हाँ चारों तरफ देख रहे हैं दोस्तों, चारों तरफ धुआं धुआं, पूरे बादल से घिरे हुए हैं हम। हाँ मजा भी धुआं है भाई, मतलब हर मिनट यहाँ पे चेंज हो रही है मौसम, हर मिनट। मजा आ गया भाई आज तो। यहीं पर रख ले। हाँ और एक चेयर भी लाए है ना, हाँ छोटा वाला है। स्लीपिंग बैग निकल दे रहा हूँ। हाँ स्लीपिंग बैग मेट्रो एक सब लगा देते हैं अभी, अब तक मैं ये चेयर भी चेक कर लेता हूँ। चाय बनाने का प्रोसेस शुरू करें भैया, चाय बनाए। ए कोई पूछने की बात है खाए तो स्टार्ट करते हैं, बोलते क्या। ठीक है भाई, चाय पत्ती डालता हूँ मैं। डालो भाई, तेरा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अरे खामोश क्या कर रहे हो, दूध का पाउडर डालो भाई। डालो तो डाल लो भाई। अब शक्कर कितने किलो डालो भाई? डालो 1.5 किलो भाई।
हो जाएगा लगता है। मैं पेट्रोल डालूं, गर्म हो गया क्या? हाँ डाल दो भाई। ओ हो गया, दूध पाउडर हो गया। ओ मजा आ रहा है क्या? बहुत आज तुमको बहुत कॉमेडी सुन रहा है। नहीं भाई यकीन मानो, वाकई में बहुत बढ़िया वाइब आ रही है अभी। मजा आ रहा है, फील बढ़िया, फील गुड पूरा, है कि नहीं? हाँ भाई, ऐसे पहाड़ी बादल भाई पहली बार देख रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ। आज तो मौसम पूरा गजब मजेदार है भाई। देखो भाई बादल फिर से कवर कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ भाई फिर से ढक रहे हैं भाई। मज़ेदार व्यू है भाई, कमाल के व्यू। हाँ भाई माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था हमारे साथ। हाँ इतने व्यूज मिल रहे हैं यार, मतलब तो आज का डिसीजन एकदम सही था। हाँ ये सीन्स ना बारिश के मौसम ही मिलते हैं भाई, ये बारिश के मौसम मानसून के टाइम में ही मिलेंगे ऐसे गजब के नज़ारे। तो बादल नहीं होंगे ना। हाँ कितना मजा आ रहा है। हाँ। बादल उड़ रहे हैं ऐसे पहाड़ियों को चूमते हुए जा रहे हैं। हाँ। दोस्तों यहाँ पर ना हर घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी की तरह हो रही है, मौसम बदल जा रही है हर घड़ी। मतलब एक एक बार में एक एक सीन क्रिएट हो जा रहा है। मतलब हर शॉट लेने को मतलब इच्छा जाग जाती है मन में। कितने शॉट्स ले बोलो, जितने भी शॉट लियो भाई पूरा अभाव बोलते ना, क्या बोलते हैं जी ऐसा ही कुछ, मतलब दिल नहीं भरता। जितने भी वीडियोस लेंगे ना दिल नहीं भरता भाई, एक एक सेकंड को नजारे बदल जाते हैं यहाँ पे, ऐसे हो रखे हैं मौसम यहाँ पे। देखिए अभी क्लियर था, अभी फिर से बादल आ गए ऊपर, चारों तरफ से फिर से एक नया सीन क्रिएट हो गया। तो ये तो चलता ही रहेगा, हम अपना काम करते जाएंगे, काम करेंगे। अभी ना डिनर के लिए अभी से प्लान कर लेंगे। हाँ। क्योंकि आपको ऐसे दिख रहा है लेकिन अभी शाम ऑलरेडी हो चुकी है, धीरे धीरे जल्दी से अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बादल है ना। तो इससे पहले कि ज़्यादा डार्क हो जाए डिनर विनर पकाना स्टार्ट कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ भाई।
तो डिनर के लिए तैयार हो भाई? तैयार है भाई, कटना शुरू करें। तो दोस्तों पता है आज क्या क्या लाए हैं? ये देखिए मशरूम, और सब्जियों में भी काफ़ी सब्जियां हैं आज। बीन्स है, परवल है, इसको क्या बोलते हो भाई? इसको हाँ कैप्सिकम। कैप्सिकम क्या है भाई? कोका कोला कम बोलो ना। कैप्सिकम बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में मुझे भी नहीं पता दोस्तों, पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए एज यूजुअल। और फूल गोभी है, पत्ते गोभी है, ये क्या है भाई? कुंदरू। कुंदरू भी है भाई। मतलब हर तरह के सब्जियों में से थोड़ा थोड़ा ले आए हैं। लेकिन इन सब सब्जियों के साथ जो मेन डिनर बनेगा आज, वो बनेगा ये, पता है क्या? बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ एक मिनट। ऑथेंटिक जापनीज कुकिंग मेड सिंपल, रूट वर्क जापनीज टेरियाकी मील किट। भाई समझ में आया? ऊपर से गया भाई, ऊपर से गया भाई, पहाड़ के ऊपर से गया। मेरे भी ऊपर से जाते हैं कभी कभी। देखिए उस दिन जो दो फूड ऑर्डर किए थे, मैंने बोला था ना एक बार थाई फूड हमने बनाया था एक वीडियो में, पता नहीं कितने नंबर का वीडियो एपिसोड था वो, लेकिन हाल ही में बनाया था वो थाई फूड। ऐसे ही उसी किट में दूसरा जो किट था वो जापनीज फूड था। अभी मुझे लगता है इसके अंदर भी एक मसाला पैकेट रहेगा और राइस रहेगा, या क्या रहेगा पता नहीं, या नूडल रहेगा भाई, ये नूडल रहेगा लगता है। नूडल तो लगता है भाई, नूडल रहेगा लगता है, और मसाला पैकेट रहेगा। जो मसाला पैकेट रहेगा उस मसाले के साथ ये सारे सब्जियां मशरूम वगैरह बना के करी जैसा बना लेंगे, उसके बाद इसके साथ जो भी होगा मिला के खा लेंगे भाई। पता नहीं क्या है इसके अंदर, ठीक है? हमको भी पता नहीं भाई, ये पहली बार लाए हैं। चलो ठीक है भाई, रख देता हूँ, काटना शुरू करते हैं फिर। हाँ चलो भाई, किससे स्टार्ट करोगे बोलो? पत्ते गोभी से स्टार्ट करोगे? हाँ कर लो। गिर जाता है भाई, गिरता। मैं किससे स्टार्ट करूँ? कुंदरू से स्टार्ट करूँ? हाँ काटो भाई। ठीक है चलो, आज छोटे वाला टेबल नहीं ले भाई। नहीं भाई, जब भी गाड़ी लाते हैं ना ऐसे बड़े बड़े चीजें लाने के लिए हमको आसानी हो जाती है ना। मतलब हमारी गाड़ी तो हम नहीं लाते, दोस्त की गाड़ी में भी जब भी जाते हैं कहीं पर, उसी गाड़ी में भी ये सब चीज़ें डाल के ले आते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे लेके जाना तो मुश्किल है। बड़े वाले पैन में बनाएंगे ना? हाँ बड़े वाले पैन में। तो दोस्तों सब्जियाँ वब्जियाँ काटना तो चल रहा है, लेकिन अभी सीन देख रहे हैं क्या हो रखे हैं। अभी एक नज़र चारों तरफ डालिए, ऐसा लग रहा है पूरे बादल के अंदर है भाई। हाँ तुमको भाई, वो मूवी याद है ना? कौन सा वाला भाई? जब हम छोटे छोटे थे। हाँ राज नाम का एक हॉरर मूवी याद है? वहाँ पे जो सीन थे मुझे कुछ कुछ अभी वैसे ही फील आ रही है भाई। भाई वो मूवी में देख रहे थे कि नहीं, कैसे धुआं धुआं चारों तरफ? देखो मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। मुझे भी डर लग रहा है भाई, इतना धुआं कोहरा चारों तरफ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखो पहाड़ी वगैरह सब गायब हो गए अभी यहाँ पे। मतलब और 10 मिनट रुकेंगे ना वो गाड़ी भी यहाँ से नहीं दिखेगी, ऐसे हो जाएगा। पानी फेंक दो भैया। हाँ फेंक दो भाई, बारिश हो गई तो बाहर तो फिर से। हाँ भाई बारिश तो फिर से स्टार्ट हो गया भाई। हाँ ये फिर से स्टार्ट हो गई बारिश, मतलब इतने कोहरे वाले बादल है ना। हाँ फिर से स्टार्ट हो गया भाई, भीग तो नहीं जाएंगे बाहर? देखेंगे भाई, ज़्यादा बारिश हुआ तो ये ढक लेंगे और अंदर घुस जाएंगे। हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए रहने देता हूँ। हाँ मछर वगैरह काटने भी हो गया? हाँ भाई हो गया, ये भी होना है। पानी में भूल गया, सब्जियाँ थोड़ा धो लेंगे, अगर सब्जियाँ छोड़ा है। हाँ
अरे भाई देखो फिर से यहाँ पे पानी जम गया, निकालना पड़ेगा। निकालता हूँ मैं। निकाल भाई, देखो अंदर घुस गया भाई। हाँ 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 ये देखो डल गया। हाँ डला लो, इसको रख दो भाई। बहुत बढ़िया, ठंडी भाई ठंडी। हाँ। क्या ठंडी क्या ठंडी रही। ज़्यादा बारिश भी थी ना, और बहुत ठीक है भाई, काफ़ी बारिश थी। क्या हेवी और भी बारिश हो रही है। ये देखो फिर से पानी जमाना स्टार्ट हो गया। हाँ ये बार बार पानी रहने दो भाई, हमको बासन कुसन मारने के लिए काम देगा। हाँ, बर्तन धोने के लिए काम आएगा। हाँ। वो पानी रहने देते हैं थोड़ा। चलो अभी तेल डाल लो भाई। डाल लें, डाल देता हूँ भाई। पूरी की पूरी बोतल खाली कर दो। हाँ 10 लीटर डाल दूँ? डाल दो भाई। तो डाल देता हूँ भाई। अरे सच में डाल दोगे क्या? देख के डालो, तेल ज़्यादा खाना है भाई। कंजूसी इतना मत लो, इधर डालो इधर डालो। हाँ इधर का हो जाएगा, इतना हो जाएगा। नहीं तो देख और डाल लूँ, देख ला इसलिए हो जाएगा भाई। चलो डाल दो फिर, देखो भाई कितना होगा। तो भी खोल के देख ले भैया। हाँ देख लो भाई अंदर क्या है। देखिए इसके अंदर निकल रहे भाई। देखो भाई इस बार नूडल्स है इसके अंदर, उस बार तो राइस था थाई फूड में। हाँ, यहाँ पे नूडल्स है और एज यूजुअल और कुछ नहीं है। तो एज यूजुअल एक मसाला पैकेट सॉस जैसा। हाँ इसको भी यहाँ पे डाल के भूनेंगे। पहले अदरक लहसुन पेस्ट को भून लेते हैं। हाँ चलो, तो अदरक लहसुन डालू? हाँ डालो भाई डालो। डालूंगू भाई डालो। डालूंगू 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 क्या भाई? क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह बढ़िया है, मस्त है। अभी इसके साथ वो सॉस को भी फ्राई कर ले क्या? हाँ अंदर से जाता है भाई। अरे वाह क्या लुक है भाई। हाँ मजा आ गया। बढ़िया है, पत्ता गोभी फूल गोभी सब मिल गया अच्छे से। हाँ भाई चलो नमक डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो गरम मसाला भी थोड़ा डाल दे रहे हैं। हाँ डाल दो, हो जाएगा इतना? हाँ हो जाएगा भाई। हल्दी पाउडर भी? हाँ हो गया, हो जाएगा। हाँ ज़्यादा डालेगा भाई चलेगा। ये तो हो गया लगता है। हाँ हो गया भाई, भून गया अच्छे से। तो हाँ वो भी डाल देंगे। डाल देंगे। हाँ क्या है मैगी या चाउमीन भाई? ये नूडल है, मैगी तो वो ब्रांड है। हाँ ये नूडल है, जापानीज नूडल। देखते हैं क्या निकलता है, फाड़ लो देखेंगे। फाड़ दे रहा हूँ भाई। तो डाल दें? हाँ डाल देते हैं। अरे बढ़िया है भाई, मोटा मोटा है। अरे वाह मस्त है। ये कैसे नूडल्स है भाई? पहली बार है भाई ये। अरे वाह मस्त है भाई, मस्त नूडल है भाई, मोटे मोटे। हाँ भाई पहली बार देख रहा हूँ ऐसे नूडल। हाँ जापानीज नूडल है ना। हाँ हाँ ये तो हो गया भाई, हो गया भाई। हाँ हो गया। क्या कर रहे हो, प्लेट धो रहे हो? प्लेट धो रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी बंद कर देता हूँ मैं। हाँ बंद कर दो भाई, प्लेट तो रेडी है। अच्छा बंद होता भाई, चूल्हे पर रखते हैं साइड में। गरम गरम परस लोगे भाई? हाँ इसको नीचे रख लेता हूँ नहीं तो। हाँ भाई ठंडा हो जाएगा थोड़ा ये। हाँ मतलब प्लेट परस लेंगे, गर्म पानी आ रहा है भाई, पानी आ रहा है भाई, गर्मा गर्म खाएंगे मज़ा आ जाएगा। ठंड भी लग रही है। हाँ चम्मच? हाँ चम्मच निकालेंगे पहले, ये परस लेता हूँ। परस लोगे चम्मच निकालना भाई। हाँ तो दोस्तों अभी क्या करेंगे,
यहाँ पे जो पानी जमा हुआ है ना बर्तन वगैरह धोने के लिए, पकड़ लेते हैं। हाँ भाई ठीक है। हाँ चलो मैं निकालता हूँ, पकड़ो धीरे भाई। हो रहा है तो हाँ, बारिश का पानी फायदा लेना चाहिए है भाई, और नहीं तो क्या। हाँ तो भैया शुरू करें। हाँ शुरू करें भाई, मेरा मुंह में पानी आ रहा है भाई। चेस करेंगे क्या? चेस करें भाई, देखो जोर से मत लगा लेना। हाँ भाई नहीं तो उड़ के जाएंगे सब। हाँ। तो स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करें भाई। अच्छा ठंडी ठंडी मौसम में क्या टेस्ट है भाई, गजब का टेस्ट, मजा आ गया भाई जापानीज फूड में तो। हाँ सॉलिड भैया है। लाजवाब क्या बोलते हैं, लाजवाब बोल रहे हो? हाँ लाजवाब। क्या हाथ है भाई तुम्हारा, आज तुम्हारा हाथ को तुमने का मदद करता है भाई। ये मेरे हाथों का कमाल नहीं भाई, ये जापानीज फूड का कमाल है। ये पहले बोलना चाहिए था ना, मैं खाम खा ही तारीफ कर, मेरे तारीफ कर रहे थे। वैसे अच्छा तो लग रहा था मेरे तारीफ कर रहे थे। लेकिन झूठी तारीफ लेके क्या फ़ायदा भाई, इसलिए उस जिसका क्रेडिट उसको दे देना चाहिए। हाँ तो जापानीज फूड का क्रेडिट जापानीज फूड को ही दे देते हैं। हाँ वही सत्य बात भाई, ईमानदार रहना चाहिए भाई। वही तो। खाना तो मस्त टेस्टी है भाई, लजीज है भाई लजीज। अभी बादल है, कोहरे हैं, रातों भी बारिश आ सकती है। तो भैया सुन रहे हो, फिर से बारिश स्टार्ट, ये बारिश चलते रहेगी ऐसे रात भर। हाँ पहाड़ी के ऊपर है ना, बढ़िया हुआ भाई, अच्छा हुआ। हाँ घुस भाई, वाह वाह वाह, देख रहे हो आज कितने मोटे मोटे कंबल जैसे स्लीपिंग बैग तुम्हारे लिए हमें है ना भाई, देखा तो कंबल जैसे स्लीपिंग बैग ये हमने पहले खरीदा था। हाँ पहले पता नहीं था ना ये बहुत हैवी वेट स्लीपिंग बैग होते हैं, ठंड से तो प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन वेट भी उतना ज़्यादा है, इसको कहीं पर लेके जाना बहुत मुश्किल है, हमेशा हम इसको लेके नहीं जाते, छोटा सा स्लीपिंग बैग लेते हैं, नहीं तो चादर कंबल कुछ नहीं रख लेते, सॉल वॉल ओढ़ के सो जाते हैं काम चलाने के लिए। और जब भी मौका मिलता है गाड़ी में जाने का, जैसे कि ये गाड़ी हो गया या फिर हमारा जो दोस्त हमको छोड़ देता है ना, वो गाड़ी में जब पास की जगह में जाते हैं जहाँ गाड़ी नज़दीक तक जाता हो टेंट के, वहीं पर ही ऐसे स्लीपिंग बैग हम लेते हैं। मैं तो अक्सर ऐसे नहीं ले सकते, हमेशा बहुत वजन हो जाएगा ना। हाँ भाई तो बारिश जोरदार तो चल रही है भाई, आराम से मिल जाएगी भाई। गुड नाइट तो बोल रहा भाई। अरे हाँ वो तो ठीक है दोस्तों, होपफुली आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया होगा तो क्या करेंगे भाई, एक लाइक तो बनता है भाई। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ नए नए वीडियोज देखने के लिए, एडवेंचर देखने के लिए, और शेयर भी करना मत भूलिए भाई। जी बिल्कुल, तो आप भी आराम से चेक भी सोचाइए, आराम से देखिए बारिश के साउंड के मजे लेते ही। हाँ तो ठीक है, चला बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।